You. Welcome everybody. This is me, Umar Bilal. I'm a certified fitness consultant from California, USA. और आज मैं एक बड़ी different किस्म की आपके लिए video लेके आया हूँ. मुझे ये बड़ी query आती है कि उमर भाई diet के हवाले से आपने हमें plan तो दे दिया है. मैं existing clients के लिए अपने video बना रहा हूँ specially. So अब अगर हम बाहर जाके खाना चाहें तो हम क्या खा सकते हैं और क्या इजाज़त है हमें बाहर जाके खाने की. तो आज हम लोग आए हुए हैं बुलान सच्ची और क्लिफ्टन बुलान सच्ची क्लिफ्टन आए हैं. और आज मैंने आप लोगों को करीब आ गया मुझे तो मैं आपको बताता हूँ. और आज मैं आया हूँ अपने ग्रुप के साथ खाना खाने के लिए. सो बोनलेस हम लोग हांडी बना रहे हैं, ठीक है. और बोनलेस हांडी हम लोगों ने 801 कढ़ाई में, ये लोग बेसिकली हांडी में 800 ग्राम गोश्त डालते हैं, यानी 200 ग्राम कम 1 किलो से. सो 800 ग्राम गोश्त इधर है और 800 ग्राम उधर दिखाओ और 800 ग्राम गोश्त इधर है, सही है. अब इधर दिखाए. अब एक यानी 800 ग्राम की दो हमारी बन रही है. अब मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की, मैंने इनको ये बोला कि आपने 800 ग्राम गोश्त में 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है और आपने खाना तैयार करना है, सही है. ब्रेस्ट पीस की बोटियाँ छोटी मैंने कटवा ली, इधर आ गए 800 ग्राम और 800 ग्राम उधर आ गए. 800 ग्राम में आपने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको पकाना है. तो यहाँ 3 टेबल स्पून में ये खाना पक रहा है, सही है जी. तो ये हमारी रेस्ट को कढ़ाई में आप इधर आके बताएं. इसमें अब आप मुझे भी बताते हैं, मुझे भी दिखाते हैं. अब कौन कहता है कि नहीं बन सकता, सही है. हर चीज़ बन सकती है, सही है. सो जो बना रहे हैं हमारे उस्ताद, उस्ताद नाम क्या आपका? अब्दुल मजीद भाई बना रहे हैं. सो आप लोग अगर इधर आके खाना चाहें तो अब्दुल मजीद भाई से स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जो उमर भाई ने बनवाई थी वही वाली हमें खानी है, सही है. और अब ये आपको बताएंगे कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सही है. तो बाबा क्या कहते हैं? और ये देख के आप लोगों को, और ये बिल्कुल वही मज़ा देगी आपको, सही है. और हम इसको इंजॉय भी करेंगे. और मैं बाहर का भी खाना खाता हूँ और इस वक्त बाबा यहाँ भी मैं ये सिक्स पैक्स चेक करो, महसूस हो रहे, सही है, ठीक है. सो ये खाते पीते हमारे बनते, हम ये सब चीज़ें खाते हैं. सो ये हमारी अभी बनते हैं, एक दफा और भी दिखा दो. वाइट वाली हमारी कहाँ है? वाइट वाली कहाँ है? ये देखें, ये हमारी वाइट वाली है, सही है. ये हमारी वाइट कढ़ाई बन रही है और ये हमारी रेड वाली बन रही है. मसाले इनके अपने होंगे और बनाने का तरीका मैंने इनको एक चीज़ बता दी कि 3 टेबल स्पून में इन्होंने पकाना है. सो अब ये रेडी होके आएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसी बनी. ये देखिए, अब कौन बोलता है कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते? हम यही खा के सिक्स पैक बना रहा हूँ मैं, ठीक है. हाँ देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है कढ़ाई की. किस चीज़ की कमी है इसके अंदर? किस चीज़ की कमी है? गंदे तेल के एक्सेस की कमी है. अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल किया जाता है या वो एक खास मिकदार में यूज हुआ हुआ है जिसने आपकी जो दिल की नालियाँ नहीं बंद करेगा आपकी, ठीक है. जो सिर्फ मुर्गी को पका के आपको फ्लेवर देगा. तो खाएं आप, इसने कहा बाहर का नहीं खा सकते. मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ, आप खाएं. लेकिन देखभाल के खाएं कि आप क्या खाना चाहते, सही है. सो अभी ये वहाँ पक रही है, आप वापस से दिखाएं करीब आके, शक्ल दिखाएं इसकी, ठीक है. और ये हमारी वाइट कढ़ाई बन रही है, मेरा हाथ जिधर जा रहा है ये, सही है. और ये हमारी रेड कढ़ाई बन रही है, ज़बरदस्त इसका शक्ल आ रही है. और ये अभी भुन जाएगी तो और आप लोग देखेंगे. उसके बाद मैं आप लोगों को रोटी की सिलेक्शन बताऊंगा कि आप कौन सी रोटी आपने खानी है. रोटी भी खा सकते हैं आप, ठीक है. तो कौन सी रोटी, किस क्वान्टिटी में, ये भी बताऊँगा. सो वेट करें. सो गाइज, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था ये वीडियो बनाते हुए आप लोगों को दिखाई थी कि कढ़ाई कैसी बन रही है, और अब आप मुझे नीचे करके दिखाएं. ये तैयार होके आ गई है और अब इधर देखिए, लजीज. मैंने टेस्ट कर लिया, आप लोगों को भी दिखा दूँ, ये देखिए. और ये सिर्फ 3 चम्मच तेल में बनी हुई है. इट इज़ हाईली हाइजीनिक, इट इज़ हाईली हेल्दी एंड हाईली रिकमेंडेड. आएँ इस तरह से बनवाएँ और खाएँ, दबा के खाएँ, कोई मसला नहीं है. अब हमें खाने दें, फिर हम बाद में बात करें.